अब बारी है सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक। सबसे पहले श्री अमनदीप तिवारी, श्री शिवा सिंह, श्री रुद्रेश कुमार शुक्ला। श्री अजय कुमार पांडे, श्री कुलदीप कुमार, श्री अभिषेक शुक्ला, श्री राम पूजन यादव, सागर गुप्ता, मोहम्मद सैफुल, नवनियुक्त श्री लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, श्री भरत पाल, योगी आदित्यनाथ इस समय आवास विभाग का ओझा, नव नियुक्त श्रीमती श्वेता रस्तोगी नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। कुमारी साधना, ये प्रतीक नव नियुक्त अभियंता को नव नियुक्त अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ नव नियुक्त अभियंता को आजीवन ये स्मरण रहेगा कि आज कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, नियुक्ति पत्र का वितरण, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनका नाम और कहां से आप आए हैं ये जानकारी भी हासिल आपको की। बता दें और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन वो आज कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास में किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ उपस्थित अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को संबोधित करने जा रहे हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत नौ चयनित अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन के राज्य मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव आवास श्री दीपक कुमार जी, सचिव आवास श्री अजय चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आवास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नव चयनित सभी अभियंतागण, आप सबको मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने और आवास विभाग में चयन होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश शासन का आप हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 46 अभियंता इसमें चयनित हुए हैं, जिनमें से 33 को आज नियुक्ति पत्र यहां पर दिया गया है, शेष की प्रक्रिया जारी है, उन्हें विभाग अपने स्तर पर आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन
लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला होगा तब से लेकर के नियुक्ति की इस प्रक्रिया तक आप में से किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। हर एक आयोग और बोर्ड की कार्यप्रणाली को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है लेकिन एक एक गतिविधि पर स्वयं नजर रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जब चयन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो नियुक्ति पत्र देते समय शासन स्वयं इस बात को ध्यान में रखता है कि प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी पूर्वक पूर्ण है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहां पर चयन हुआ है या अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि पूरी प्रक्रिया चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा, न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की 3 प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विकास के ही आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो
की पूरी कार्रवाई आवास विभाग की इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें चार सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है। और इसमें तकनीक का उपयोग करना, क्योंकि आप में से जुड़े हुए ज्यादातर जो युवा हैं, वह आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभागीय विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो मैं बता रहा था मेट्रो के लिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से अब तक प्रदेश में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल की परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी इसी के माध्यम से हो रही है। अमृत योजना के अंतर्गत नगरों के सुनियोजित विकास हेतु उत्तर प्रदेश के लगभग 7 नगरों में जीआईएस आधारित जो महायोजनाएं हैं उस पर भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है, और दिसंबर 21 तक उसको पूर्ण करने का एक लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ का जो मेट्रो है 23 किलोमीटर वर्तमान में चल रहा है। कानपुर मेट्रो इस महीने के अंत तक तैयार होगा और हम लोग इसे अगले महीने इसके लोकार्पण की कार्रवाई भी करेंगे। फर्स्ट फेज की को हम लोग वहां पर ट्रायल के लिए लेंगे, ट्रायल के बाद उसमें कमर्शियल उनका रन प्रारंभ हो जाएगा। तकनीक के माध्यम से एक सामान्य जन से जुड़ी हुई समस्या का समाधान करने और उनके जीवन को और भी आसान बनाने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। मुझे याद है हमारे बहुत सारे ऐसे प्राधिकरण थे जिसमें लोग बहुत परेशान थे, कानपुर गोरखपुर लखनऊ अलीगढ़ गाजियाबाद मेरठ और भी तमाम अन्य स्थलों पर लगातार शिकायतें आ रही थी। हमने वहां व्यापक बदलाव किया, लोगों के सामने लक्ष्य तय किए और तकनीक का भरपूर उपयोग करने की स्वतंत्रता दी। आज परिणाम क्या है, आठ आठ दस दस वर्षों से जो मामले लंबित पड़े हुए थे, विगत 6 महीनों के अंदर उन सब का निस्तारण होता हुआ दिखाई दिया। यानी एक और मैंने इस बात को देखा है, पहली बार मैंने इस बात को देखा है कि इन विकास प्राधिकरणों में पब्लिक ने पहली बार मुझे इस बात का फीडबैक दिया पॉजिटिव कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो काम उन विकास प्राधिकरणों ने करके दिखाया है, ये काम आज से 3 साल पहले 5 साल पहले 7 साल पहले 10 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन कार्य करने की या तो इच्छा शक्ति नहीं थी, या तकनीक की जानकारी नहीं थी, या फिर लोगों के दिलो दिमाग में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि वह आम जन को तबाह करके अपने स्वयं के घर को। आप देख रहे हैं KNews खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान